हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यंग एनर्जेटिक पॉजिटिव पीपल संस्था के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी महिला सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर को सभी सदस्यों ने श्रद्धांजलि दी और उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस दौरान स्वर्गीय लता मंगेशकर के द्वारा गाए गए गाने को अपनी आवाज देकर उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर संस्था द्वारा महानगर के उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। यंग एनर्जेटिक पॉजिटिव पीपल मुरादाबाद की ओर से तृप्ता सिंह, आदित्य अग्रवाल, पूजा अग्रवाल, डॉक्टर अनामिका गुप्ता, शालिनी गुप्ता, रचना गुप्ता, जयता टंडन को सम्मानित किया गया। संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नेहा मेहरोत्रा संस्था अध्यक्ष के द्वारा आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष नेहा मेहरोत्रा ने कहा कि हमारी संस्था समय समय पर इस तरह के कार्य आयोजित करती रहती है और महिलाओं को सम्मान देने का काम करती है, इसलिए इस बार भी एक नए अंदाज में महिला दिवस मनाने का काम हमारी संस्था के द्वारा किया गया है। क्या नाम है आपका? जी, आपने जो प्रोग्राम आज रखा है किस वुमेन्स डे के पर्पज से रखा है? जी, मुझे खुशी होती है कि मेरे क्लब से काफी ऐसी लेडीज जुड़ी हुई है जो घर का ध्यान रखते हुए अपने आप को भी आगे बढ़ा रही है। कितने लोग ऐसे जुड़े हुए हैं आपकी संस्था से? बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आज तो मैंने 7 लोगों को ही सम्मान दिया है। तो आगे भी आप लोग ऐसे प्रोग्राम करते रहोगे? हमेशा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयता टंडन है। जी मैम। और मैं इसी क्लब से बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ, जब से ये स्टार्ट हुआ है उसकी स्टार्टिंग से मैं जुड़ी हुई हूँ 99 से। और हम लोग का मकसद ये है कि जो घरेलू महिलाएं हैं जो घर में ही रहती हैं और घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, उनको हम लोग बाहर लाएं और उनकी जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको हम उजागर करें। किसी के अंदर डांस का हुनर है, किसी के अंदर सिंगिंग का हुनर है, कोई बोलने में अच्छा है, कोई फैशन में अच्छा है, तो उनकी प्रतिभा जो है उसको आगे लाएं। और क्लब के माध्यम से उनको छोटे छोटे मौके दिए जाते हैं कि वो स्टेज पर अपनी प्रतिभा को उजागर करें। हम लोग यहाँ पे आज लता जी के को ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। लता जी जो कि स्वर कोकिला के नाम से हम जानते हैं और उनके अचानक से निधन होने से हम सब बहुत ही दुखी हैं, तो आज हम लोग ने उनको फूलों से श्रद्धांजलि दी और उनको याद किया। और हम लोग आगे भी कोशिश करेंगे कि उनके द्वारा बनाए हुए गानों को हम गाएँ और अपनी आगे की पीढ़ी तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अनामिका गुप्ता है। जी मैं। मैं के पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य हूँ और ये अब ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। हमारी आज चेयरपर्सन नेहा मल्होत्रा ने आज लेडीज़ क्लब में ये वुमेंस डे के ऊपर अच्छा सा प्रोग्राम आयोजित किया है, जिसमें हम कुछ लेडीज़ को जो अपनी अच्छी अपनी फील्ड्स में जुड़े हुए हैं और अपने अच्छे निरंतर कार्य कर रहे हैं उनको आज सम्मानित किया गया है। उसी रूपरेखा में मुझे भी आज उन्होंने सम्मानित किया है। और शिक्षा के क्षेत्र में मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही हूँ और आगे भी इसी तरीके से कार्य करती रहूँगी।